लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेकलेस दिखाइए। ये देखिए। अच्छा नहीं है। वो पीछे वाला। Very smart lady. साहब, आपको कुछ सामान पसंद आया? हाँ, आधा पसंद आया।
मैडम हम आपका बैग चेक करना चाहते हैं। क्यों? कुछ लोगों को स्टोर से बगैर पैसे दिए चीजें ले जाने का शौक होता है। डार्लिंग जो चाहिए था ले लिया ना। कैशियर यस सर, ये बिल मेरे दफ्तर भेज देना। ओके सर। चलो हमें घर जल्दी पहुंचना है। लेकिन मैं टेलीफोन करके बता दूंगा तुमने क्या क्या लिया है। चलो चलो। तुम्हारे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई कि जो तुम कर रही हो वो गलत है? क्या गलत है और क्या सही है, ये बातें सिर्फ अमीरों के ड्राइंग रूम में अच्छी लगती हैं। भूखे के लिए रोटी सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसके लिए उसे चोरी क्यों ना करनी पड़े। लेकिन ये जो चीजें तुमने चुराई हैं, ये इतनी जरूरी नहीं जितनी भूखे के लिए रोटी। हर आदमी की अलग अलग वक्त में अलग अलग जरूरत होती है। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और उसके टेस्ट के लिए मुझे ये चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन तुम पकड़ी भी जा सकती थी, तुम्हें जेल भी हो सकती थी। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं तुम्हें मुफ्त में एक्ट्रेस बना दूं तो? ऐसा नहीं होता, इस दुनिया में मुफ्त कोई भी चीज नहीं मिलती। लाइट्स। तुम इस वक्त मेरे थिएटर के स्टेज पर हो, चाहो तो अभी से एक्टिंग शुरू कर सकती हो। सच, मेरे जन्मदिन पर इससे खूबसूरत तोहफा मुझे कभी नहीं मिला। आज तुम्हारा जन्मदिन? सॉरी, खुशी में भूल गई। आज के दिन मैं पैदा जरूर हुई थी, लेकिन मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। तो फिर आज मनाएंगे। ये लो, शैंपेन खोलो और अपना बर्थडे अपने हाथों से मनाओ। के आसमान पर एक चमकदार सितारे के नाम चेयर। इस खुदगर्जी से भरी हुई जमीन पर मेरे अकेले मेहरबान के नाम। लेकिन हम इतनी दूर दूर क्यों हैं? दूरी तो मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूं। शैंपेन आपके हाथों में है और पांवों में मैं। जो पीना चाहे पी लीजिए। I love you। आप जो प्यार से देखें तो समझती हूं करम, मैं तो एहसान हूं, एहसान फरामोश नहीं। Ready? हाँ। Start। ये क्या कह रहे हो राकेश? ये वही चेहरा है जिसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें मेरे दर पे लगी रहती थी, और ये वही झील सी नीली नीली आंखें हैं जिसमें डूब जाकर तुम अपना दिल तराश कर लिया करते थे, और ये वही होंठ है जिनके जुम्बे से तुम्हारे बदन में कपकपी उठने लगती थी। नो, एक्टिंग तो एबीसी नहीं आती आपको। सॉरी मैडम, आप में वो बात है ही नहीं। एक चांस और दे दीजिए जैन साहब। कोई फायदा नहीं साहब, मैं जानता हूं आप खूबसूरती के दिल दादा हैं, हुस्न और शबाब के कदरदान हैं, लेकिन एक्टिंग समझना मेरा प्रोफेशन है। मैडम, रंजीत साहब के इस थिएटर में मिस्टर राकेश जैसे कलाकार काम करते हैं, कोई ऐरा गहरा नहीं। आप थिएटर के लिए नहीं, सिर्फ मॉडलिंग के लिए ही फिट हैं। Oh,
नीली झील से ये मोती क्यों बाहर आ गए? डायरेक्टर ने मुझे नामंजूर कर दिया। लेकिन मेरी नजरों ने तुम्हें मंजूर कर लिया है। मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया, क्यों, कब, कहां हो गया मैं? नो 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 नो, तुम अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सांस। सांस, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए सांस जितनी जरूरी है, स्टेज पर कैरेक्टर में जान डालने के लिए सांस उतनी ही जरूरी है। तारीख में दो नाम हैं, सीता और राधा। सीता और राधा जो प्यार और बलिदान में इतना आगे निकल गई कि उनका नाम भगवान के नाम से पहले लिया जाता है, सीता राम राधे कृष्ण। आज शाम राधा के रोल में मैं जिस कलाकार को पेश कर रहा हूं उसका नाम है मिस रोहिणी। Thank you.
नौकरी के अलावा मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, बोझ उठाए, पत्थर तोड़े, अपने पेट को काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, इसलिए इसलिए वो मेरी तरह मूर्ख न रहे। दुनिया की बेशुमार जुबानें यकसा लफ्जों में इस जगह के खिलाफ गुस्से और नफरत का इजहार करती है। वो कहती है ये बुरी जगह है, यहाँ जुआ खेला जाता है। मैं उन नामुनसिफ मुनसिफों से दरियाफ्त करता हूँ कि अगर ये जगह जुआ खाना होने की वजह से सोसाइटी की मुजरिम करार दी जाती है तो तुम्हें तमाम जहान के खिलाफ फर्द जुर्म लगानी चाहिए। जिस भी को मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ दिया, वो किसी गैर मर्द की मां में जा लिपटी, अपने ही घर के चिराग में मुझे जला कर रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए। ऑल सेट टू गो डॉक्टर? यस। मिस सीता जी, वार्ड बॉय से कहिए कि सामान गाड़ी में रख। यस सर। वैसे मिस्टर राकेश अपने आप को हालात के मुताबिक काफी एडजस्ट कर चुके हैं, फिर भी मेरी राय में अगर आप कोई सीता जैसी नर्स रख लें तो। डॉक्टर साहब, एक पति के लिए उसकी पत्नी से अच्छी नर्स और कौन हो सकती है? कम अरे उस तरफ कौन उल्लू का पट्टा खड़ा है? तेरा जुड़वा भाई। सरे सनोगन। आगे सीढ़ी है ना? हाँ। दीवारों दर थे जिसके कभी मेरे आशना, वो घर हुआ है अपने लिए आज अजनबी। यही कहीं मेरी कुर्सी होनी चाहिए। कहाँ गए भाई? यहीं पे। क्यों शम्मा लिए अब मेरी राहों में खड़े हो, क्यों शम्मा लिए अब मेरी राहों में खड़े हो, सब हो चुकी है कैद अंधेरों में जिंदगी।
घर घर ही होता है। लेकिन तुम्हारे बगैर ये घर घर नहीं लगता था। मैं बहुत खुश हूँ। अकेली रोहिणी ही नहीं, तुम्हारे सब चाहने वाले बहुत खुश हैं। और इस खुशी में आज शाम को मेरे घर में एक पार्टी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं मेरा दोस्त राकेश आज 3 महीने के बाद अस्पताल से घर वापस आया है। इस खुशी में मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द पार्टी। ये मुहब्बत दर्द है क्या? न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा। ओ हाय हाय, इसकी तड़प का मजा, नशा ही नशा, नशा ही नशा। आहा, ये मुहब्बत दर्द है क्या? न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा। ओ हाय हाय, इसकी तड़प का मजा, नशा ही नशा, नशा ही नशा। आहा 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 आहा, ये मुहब्बत दर्द है क्या? ये दिल भी चीज है क्या? न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा। हाय हाय, इसकी तड़प का मजा, नशा ही नशा, नशा ही नशा। ये मुहब्बत दर्द है क्या? ये मुहब्बत दर्द है क्या? न न न नहीं जाने कोई इसकी दवा। हाय हाय, इसकी तड़प का मजा, नशा ही नशा, नशा ही नशा। आहा, ये मुहब्बत दर्द है क्या? आहा 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 हा।
वाह 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 फैंटास्टिक। राकेश के घर आने की खुशी में रंजीत ने क्या शानदार पार्टी दी है यार, मैंने तो आज तक ऐसा शो भी नहीं देखा। बेचारा राकेश, काश ये शो देख पाता तो कितना खुश होता। इतना अच्छा एक्टर, नाम शोहरत पैसा किस काम का जब देख ही नहीं सकता। भगवान ने कितना बड़ा अन्याय किया राकेश के साथ, अब वो जिंदगी भर दूसरों के सहारे जिएगा, मुझे तो उस पर रहम आता है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, हाय एक पीठी अंधा हूं तो क्या, मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूं। मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं अंधेरे में भी देख सकता हूं और आंखों वालों से ज्यादा साफ देख सकता हूं। राकेश, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? वहम था मेरा, वहम था मेरा। कैसे वहम? कि मैं बिना सहारे जी सकता हूं, पर मैं नहीं जी सकता, मैं अंधा हो गया हूं रोहिणी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे हर पल तुम्हारी जरूरत है रोहिणी। मैं हमेशा आपके साथ हूं राकेश। हमेशा रहना। हाँ। हमेशा, हमेशा। हाँ हाँ हाँ, आज शाम को ओके? क्या हो रहा है आज शाम को? कुछ नहीं। कुछ नहीं, अभी अभी तो तुम कह रही थी आज शाम को। वो रंजीत का फोन था, जिद कर रहा था कि आपको साथ लेकर आज शाम को थिएटर पे चली आऊं। आज उसके नए ड्रामे की रिहर्सल है ना? नहीं 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 भाई नहीं, वो देखो वो बात नहीं आई। मेरा मतलब एक बार और ट्राई करो ना। क्यों, डायलॉग ठीक नहीं है? डायलॉग तो ठीक है, लेकिन वो लाओ ना। अच्छा, इस बार देखिए, हमारी हर सांस तुम्हारे नाम की सीढ़ी से उतरती है। देखिए उतरी, हमारी हर सांस तुम्हारे नाम की सीढ़ी से चढ़ती है, देखिए चढ़ी। मुझे लगता है इस लड़की का ध्यान एक्टिंग के बजाय अपना जिस्म दिखाने पर ज्यादा है। लेकिन जिस्म है बहुत खूबसूरत। खूबसूरत जिस्म के साथ अच्छी एक्टिंग कम लोगों के नसीब में होती है। हाँ, और इस मामले में तुमसे बड़ा नसीब वाला कोई नहीं है। रोहिणी, याद आया, वो प्ले की कॉस्ट्यूम डिजाइन्स आ गई हैं, तुम जरा आके देख लो, अपनी राय दे दो। चलिए। नहीं, तुम ही जाओ रोहिणी, देखने का काम तो अब हमने तुमको सौंप दिया है, मैं यहां बैठ के डायलॉग सुनता। चल। अरे हाँ रंजीत, सबसे बड़ा नसीब वाला तो मैं हूं, क्योंकि खूबसूरत जिस्म और अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ मुझे एक अच्छी बीवी मिली है। अब चलना चाहिए, रिहर्सल खत्म हो गई होगी और राकेश इंतजार कर। अब मेरे अंदर की सुलगती आग जिसका इंतजार कर रही है वो? आग तो हर दिल में लगी होती है, लेकिन मैंने उसे खेलने के बजाय उस पे काबू पाना सीख लिया है। क्या डरती हो? मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे साथ चंद लम्हे गुजारने के लिए अपनी शादी को खतरे में डाल दो। अच्छा, यानी
ये छोड़ नहीं सकती हो और वो भी चाहिए। रोज रोज की भूख आदमी को अकलमंद बना देती है। मैं कभी नहीं भूल सकती जब तुम्हारे डायरेक्टर ने मुझे हीरोइन बनाने से इनकार कर दिया। उस वक्त राकेश ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे हीरोइन बनाया, शादी करके सोसाइटी में मुझे इज्जत दी। और फिर भी उसे धोखा देकर तुम यहां आ गईं, क्यों? मेरी जबान से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? तुम मेरे माजी की यादें हसीन हो, जरूरत नहीं, हाँ आदत जरूर बन गए हो। लेकिन ये खेल जो तुम खेल रही हो इसमें तुम पकड़ी भी जा सकती हो। भूख आदमी को बहुत चालाक बना देती है। मौका, वक्त और बात अच्छी तरह समझ लेती हूँ। अगर तुम दोबारा एक्टिंग शुरू कर दो तो हमारी मुलाकातों की मुश्किलें बहुत आसान हो जाएंगी। तुम राकेश को मना क्यों नहीं रहती? मैंने कहा ना, मैं वक्त और बात अच्छी तरह समझती हूँ। मैं राकेश को नहीं मनाऊंगी, राकेश मुझे मनाएंगे स्टेज पर वापस आने के लिए। हाँ, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने स्टेज क्यों छोड़ा? क्या राकेश जी ने आपसे कुछ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन ये मेरा अपना फैसला है कि अब कला की जगह उनकी सेवा करना, देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो आपके फैंस हैं रोहिणी जी, जो आपकी कला के दीवाने हैं, उनके लिए भी तो आपका कुछ फर्ज है। मैं नहीं समझता कि राकेश साहब जैसे महान कलाकार आपकी कला की हौसला अफजाई करने के बजाय आपको घर की चार दीवारी में बंद करके उस कला का दम घूंटना चाहेंगे। जी नहीं, कभी नहीं। और फिर आपको स्टेज बनाने वाले, आपको एक्ट्रेस और स्टार बनाने वाले भी तो वही है ना? मतलब ये कि आप राकेश जी की रचना है और हर रचयिता अपनी रचना के बारे में यही तो चाहेगा। रोहिणी, मेरी ख्वाहिश है। कही डाली? मेरे ख्वाब पूरा कर दो। कौन सा ख्वाब? मैं हॉल में बैठा हुआ हूं और लोग तुम्हारे लिए तालियों पे तालियां बजा रहे हैं। आपका मतलब है मैं फिर से स्टेज पर काम करना शुरू कर दूं? ये कैसे हो सकता है? स्टेज से ज्यादा अब इस घर को मेरी जरूरत है। देखो रोहिणी, कलाकार की कला स्टेज की रोशनियों में चमक कर ही निखरती है। अगर वो सिर्फ घर की चार दीवारी में रही तो मध्यम होकर बुझ जाती है। ये जो अंधेरा मेरे सामने छा गया है, मैं नहीं चाहता तुम उसमें खो जाओ। लेकिन डार्लिंग, आपका सुख और आराम देखना मेरा पहला फर्ज है। उसकी फिक्र मत करो, हम कोई नर्स रख लेंगे। नहीं डार्लिंग, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के रहमो करम पर। मुझे रहम नहीं चाहिए, किसी का भी रहम नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। आपकी खुशी के लिए मैं स्टेज पर वापस चली जाऊंगी।
मैं आपके लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। गुड इवनिंग सर। सीता? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड गुड। अरे रोहिणी जी, तुमने सीता के बारे में कैसे सोच लिया? मैंने सिर्फ अपने डार्लिंग के बारे में सोचा है। आपकी पसंद और नापसंद को अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? ये तुमने मर्दों वाला परफ्यूम क्यों लगाया है? नहीं तो, ये तो मेरा ही परफ्यूम है, ओपियम। तो मुझे रंजीत की स्मेल क्यों आ रही थी? वो भी तो ऐसा ही कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज करता है। वो क्या यूज करते मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी स्मेल इससे बहुत अलग है। अच्छा, शायद मेरे नाक में रंजीत घुस गया। साढ़े पांच बज चुके हैं और मुझे रिहर्सल के लिए थिएटर जाना है। अब सीता आ गई है, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं। जहां जाना चाहूं, कहीं भी। जहां आपका जी चाहे, क्लब, बीच, गार्डन। नहीं, थिएटर। क्या सोचा था और क्या हो गया? अपनी आजादी के जितने ख्वाब देखे थे सारे टूटकर बिखर गए। अरमानों और तमन्नाओं, आरजुओं के फूल खिलने से पहले ही पतझड़ की नजर हो गए। खुशियों की बारात जैसे दरवाजे पर आकर वापस लौट गई। गलत गलत गलत। ये आज तुम्हें क्या हुआ है रोहिणी? हर जगह गलत पॉज ले रही हो तुम। गलत पॉज लेने से लाइन का मतलब ही बदल जाता है। जहां तुम्हें सांस छोड़नी चाहिए वहां सांस ले रही हो तुम। इस तरह ये ट्रेजिक प्ले कॉमेडी बन जाएगा। सांस रोहिणी, सांस। जिस तरह सांसों से जिंदगी कायम है उसी तरह स्टेज पे कैरेक्टर सांसों के सहारे जिंदा है। राकेश साहब, इसमें रोहिणी जी की कोई गलती नहीं। हर सेंटेंस के बाद पॉज लेने के लिए मैंने इनसे कहा था। क्यों जी? वो ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए मैं बीच बीच में म्यूजिक इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन यहां म्यूजिक बड़ा अजीब लगेगा। इट विल बी एब्सोल्युटली आउट ऑफ प्लेस। जी नहीं लगेगा। कमरे के सेट पर एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है। कहां बज रहा है? मैंने तो नहीं सुना। रिहर्सल में मैंने उसको बंद कर दिया था, लेकिन शो के वक्त सीन शुरू होते ही म्यूजिक शुरू हो जाएगा। सुनिए। I'm sorry, Mr. Jain, स्टेज पर रखी हुई प्रॉपर्टी देख नहीं सकता, इसलिए शायद इसके लिए। सर, यहाँ कुछ घुटन सी हो रही है, हम बाहर गार्डन में जाकर बैठे। ये मेरी छेप मिटाने के लिए मैंने ठीक ही सोचा है। आओ बाहर चले। एक मिनट, मैं मैडम को बोलकर आती हूँ। तुम यहीं से कह दो। नहीं, वो शायद अपने ड्रेसिंग रूम में गई हैं। छोड़ो मुझे। I'm sorry, मैं समझा तुम रोहिणी थी। रोहिणी भी होती तो क्या पैसा है? तुम रोहिणी न सही, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं। मिस्टर रंजीत, तुम्हारे पास इतना खूबसूरत चेहरा है, इतना अच्छा फिगर है, नर्स बनकर तुम वेस्ट क्यों कर रही हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें हीरोइन बना सकता हूँ। शुक्रिया, फिलहाल मुझे आपकी नसीहत की जरूरत नहीं। रोहिणी जी से कह दीजिए मैं राकेश जी को जू गार्डन लेकर जा रही हूँ। सीता, ये सब राकेश को नहीं बताना। मिस्टर रंजीत, मैं एक नर्स हूं, मेरा काम जख्म भरना है, जख्म लगाना नहीं। और ये भी हक्का, बग लगाया पक्का। ये क्या बोल रहा है? हक्का बक्का? हक्का नहीं, आका।
क्या नाम मालिक भगवान क्या नाम भगवान ने ये जो दुनिया का बाग लगाया है उसके उसूल बड़े पक्के हैं क्या फूल बोगे फूल मिलेंगे कांटे बोगे कांटे मिलेंगे ये छड़ी मेरी डार्लिंग के हाथ में अच्छी लगेगी क्या औरत है सुख और आराम के लिए पति डार्लिंग और प्रेम करने के लिए प्रेमी डार्लिंग तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो रोहिणी आप नहीं जानते आपके लिए कुछ करते हुए मुझे कितनी खुशी होती है याद आया कल आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मैं सीता को इंस्ट्रक्शन देकर आती हूँ एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब को बीच कैंडी हॉस्पिटल जाना पड़ा इसके लिए आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल है आई एम सॉरी इट्स ऑलराइट आगे का अपॉइंटमेंट ले लो वो मैं डॉक्टर को फोन करके ले लूंगी आइए सीता जी ड्राइवर से कहना गाड़ी रंजीत के घर पे ले चले रंजीत के घर हाँ आज रोहिणी का बर्थडे है और सुबह मैं भूल ही गया था इस एक्सीडेंट से एक दिन पहले ही मैंने उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट खरीदा था जो रंजीत के फ्लैट में पड़ा हुआ है लेकिन रंजीत तो इस वक्त थिएटर में होगा कोई फिक्र की बात नहीं उसने वो नेकलेस कौन से ड्रॉयर में रखा है मैं जानता हूँ लेकिन फ्लैट की चाबी चाबी कहाँ है वो भी जानता हूँ आइए अरे सीता जी नमस्ते नमस्ते आप तो इस वक्त जैसे भगवान की भेजी मेरे सामने आ गई क्या बात है मल्होत्रा जी मेरी वाइफ लेबर पेन से तड़प रही है उसे लेकर डॉक्टर सिन्हा के पास आया था वो भी आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली चले गए और वैसे मेरे पहले बच्चे की डिलीवरी भी आप ही के हाथों हुई थी सो प्लीज हेल्प हर आप उन्हें कमला नर्सिंग होम में ले जाइए पास ही में तो है वो तो मैं जानता हूँ लेकिन आपके होने से मेरी वाइफ को तसल्ली होगी सीता तुम जाओ तुम नर्स हो ये तो तुम्हारा फर्ज है लेकिन आपको छोड़ के मेरी फिक्र मत करो मैं चला जाऊंगा देखो वेलकम द न्यू चाइल्ड आइए ये पहला दूसरा और यहाँ कहीं लिफ्ट होगी ये रहे गलती तो नहीं हो सकती मुझसे बीसियों बार रंजीत के साथ यहाँ आया हूँ याद है पहली बार जब मेरे होठों ने इस जिस्म का अंग अंग चूमा था उस दिन भी तुम्हारा जन्मदिन था
मैंने शैंपेन की बोतल खोली थी, आज तक मैंने वही रस्म कायम रखी है। अरे अरे, चिकन का तो भुर्ता बन गया होगा, मैं गैस बंद करके आता हूं। देखूं तो सही कि तुमने कैसा बनाया है। तुम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते? नौकर घर में होता तो तुम ऐसे घूम सकती थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बिल्डिंग वाले मुझे आते जाते देखते हैं, कहीं उन्हें शक हो गया तो? शक तो तब हो जब वो तुम्हें और मुझे इस पोज में इस तरह दो जिस्म एक जान बने देखें। ठीक है ठीक है, चलो देखें तुमने चिकन कैसा बनाया है। रोहिणी, तुम अगर इसी तरह जाकर किसी बुढ़े आदमी की कब्र पर लेट जाओ, वो भी जवान अंगाई लेकर जिंदा हो जाए, तुम्हें अपनी बाहों में जगह। और उसके बाद? उसके बाद ना वो जवान रहेगा ना जिंदा। You're so vulgar, रंजीत। फिर मुझे कभी कभी डर लगता है, अगर किसी ने राकेश को बता दिया तो? Don't be silly. कोई कहेगा भी तो क्या कि तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में आती हो? ठीक है, क्या तुम चाय कॉफी यहाँ पीने नहीं आ सकती? और ऐसी बात कर राकेश कभी यकीन भी नहीं करेगा, उसे मेरी दोस्ती और तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। वो तो है रंजीत, लेकिन देखो डार्लिंग, इंसान जब तक अपनी आंखों से ना देख ले तब तक उसे यकीन दिलाया जा सकता है कि ये सब बातें झूठ है। आवाज हुई ना? हाँ। क्या? राकेश, वो फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया है और हम दोनों को गोली मार देगा। गोली तो वो तुम्हें मारेंगे, मुझे तो वो दिल से प्यार करते हैं। घर चलें? किसी बुढ़े आदमी की खबर पर लेट जाओ, शक तो तब हो जब वो तुम्हें और मुझे इस पोज में इस तरह दो जिस्म एक जान बने देखे। कहाँ जा रहा था, कहाँ
डार्लिंग, आज सुबह से आप एक काम भूल रहे हैं। अंधे आदमी के लिए सुबह क्या और शाम क्या, उसके लिए तो सारी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली अंधेरी रात है। बाय द वे, कौन सा काम भूल गया मैं? आज मेरा बर्थडे है। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग। Happy birthday. Many, many happy returns of the day. आज के दिन मैं पैदा हुई थी। किस लिए? आपसे प्यार करने के लिए। सच्चा प्यार? क्या? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एक और काम में भूल गया डार्लिंग। रंजीत के घर से तुम्हारा प्रेजेंट ले आना। मगर रंजीत अपना फर्ज नहीं भूलता है। ये लो। कितने एहसान है मुझ पर, रंजीत का फर्ज, रोहिणी की वफादारी और मेरे एहसान फरामोशी। देखो
मैं अपनी बिलवेड वाइफ का बर्थडे तक भूल गया। रंजीत तुम अपनी रस्म पूरी करा है? रस्म? कौन सी रस्म? अरे यार तुम्हें तो रोहिणी का बर्थडे याद होना चाहिए था, तुमने भी विश नहीं किया? मैंने तो थिएटर में सबसे पहले ही विश किया था। क्यों रोहिणी? सिर्फ विश किया? अरे यार तुम्हारे ड्रामे की हीरोइन है, तीन चार शैंपेन की बोतलें तो खोल देनी थी। खैर हम यहां मनाते हैं, ये लो रंजीत तुम मेरी तरफ से ये रोहिणी को पहना लो। मैं? क्यों घबरा क्यों रहे हो? ये सिर्फ नेकलेस है, कोई वरमाला नहीं। ये क्या कह रहे हो? रोहिणी तुम्हें भी एतराज है? वेरी बैड रोहिणी, वेरी बैड। देखो मेरी तो आंखें चली गई है, मैं तो अंधा हो गया हूं, अब से तुम दोनों ही तो मेरी आंखें हो। ये आंखें तो धोखा दे गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजीत कम हेल्प मी। I'm sorry darling, I'm very very sorry। लगता है आंखों के साथ साथ अब हाथ और पांव भी जाएंगे, फिर दिल जाएगा, दिमाग जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते सब उड़ जाएगा, सिर्फ प्यार रह जाएगा। एक बार प्यार हो गया तो हो गया। रंजीत इस गलत फहमी में मत रहना। कम लेट्स सेलिब्रेट। मुझे तो कल राकेश की बातों से लगा जैसे उसने हमें प्यार करते देख लिया है। जब वो देख सकते थे तब तो उन्होंने हमारा प्यार देखा नहीं, अब तो सुना है जो अंधे हो जाते हैं उनकी सिक्स सेंस जाग जाती है। डार्लिंग जब औरत अपने पति से बेवफाई करती है तो उसकी सिक्स सेंस तो क्या, सेवेंथ सेंस भी जाग जाती है। कम इसे तो अच्छा है मैं एक व्हील चेयर में बैठ जाऊं और तुम उसे मेरी जिंदगी की गाड़ी समझकर धकेलती रहो, कम से कम तुम्हारे हाथ तो महफूज तो रहूंगा मैं। क्यों सर, आपको किसी से कोई खतरा है क्या? नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था, मतलब मुझे किससे खतरा हो सकता है? खतरा तो आज के बाद उसे। चलें? कहाँ चलना है? सेंचुरी बाजार चलते हैं, वहां कुछ शॉपिंग करते हैं। चलिए। सैर के बहाने मैं सीता को रोज साथ ले जाता था, आंखों से तो नहीं देख सकता था मगर कानों से रास्तों पर निशान लगाने की कोशिश किया करता था। मंदिर की पूजा, बच्चों का स्कूल, सड़क के किनारे लगा लेटर बॉक्स, सबका नक्शा मैंने अपने दिमाग में बना लिया था। जुहू गार्डन में दाखिल होने से पहले कोई मलंग बाहर बैठा एक गीत गाता है, उसकी आवाज मुझे जुहू गार्डन की पहचान करा देती थी। जो थोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा, किसी
का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा। मेरे घर और मेरी मंजिल के दरमियान कोई सबूत न जन्म ले सके, इसलिए मैं गार्डन की दूसरी तरफ से टैक्सी पकड़ता था। ये लीजिए, हम गार्डन के बाहर आ गए। सीधा यहां से टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी। आइए। अपने हाथ पर बंधी घड़ी के वक्त से मैंने सफर पढ़ना शुरू किया। सीता बिल्कुल बेखबर थी। ये कौन सी जगह है? बांद्रा मस्जिद। बांद्रा मस्जिद। अब हम कहाँ आ गए? माहिम चर्च। माहिम चर्च। आप हर 5 मिनट के बाद क्यों पूछ रहे हैं? हर 5 मिनट के बाद नहीं, हर 12 मिनट 20 सेकंड बाद। सीता, यहाँ लेफ्ट की तरफ कोई खुली जगह है? जी हाँ, हम शिवाजी पार्क से गुजर रहे हैं। शिवाजी, मेरा ख्याल है आप शहर के सारे रास्ते जानने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम काफी समझदार हो। शक की गुंजाइश न रखते हुए मैं सेंचुरी बाजार के बाहर टैक्सी रोकने को कह देता था। सेंचुरी बाजार आ गया। इनकी प्रैक्टिस के लिए ये पिस्तौल अच्छी है। इस नकली पिस्तौल से आप खेलेंगे क्या? असली से तो मैं खेल नहीं सकता। खेल सकता हूँ क्या? इसे पैक कर दीजिए। ये बांद्रा मस्जिद आ गई ना? यहाँ तक मीटर में कितने पैसे हुए? 2 रुपए 80 पैसे। 2 रुपए 80 पैसे। ये माहिम चर्च आ गए? जी हाँ। क्या मीटर क्या कहता है? 4 रुपए 50 पैसे। अच्छा, देखा कितनी जल्दी मैं रास्ते पहचानने लगा। 3 हफ्तों से इसी रास्ते से आ जा रहे हैं, आप उकता नहीं गए? हवा बता रही है कि हम शिवाजी पार्क पहुंच गए। जी। और इस वक्त मीटर में 7 रुपए 20 पैसे हुए होंगे। करेक्ट। सीता, तुमसे कभी रोहिणी ने पूछा तो नहीं? क्या? हमारे ये रोज के सफर के बारे में। जिस दिन आप खुद अकेले ये सफर करके घर वापस जाएंगे, उस दिन आप खुद रोहिणी जी को बताइएगा, वो तो यकीन ही नहीं कर पाएंगी। वो क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मेरा भी इरादा यही है कि रोहिणी को ऐसा सरप्राइज दूं कि उसका दम निकल जाए। सुनो,
शॉपिंग तो सारी कर ली। एक काम करो सीधा, ये वहां पेमेंट करके सामान यहाँ ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जी सुनिए। जी कहिए। मैंने कुछ ही दिन पहले कहीं पढ़ा था, एक ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर आया है बाजार में, जो इंसानी आवाज सुनते ही खुद ब खुद शुरू हो जाता है और आवाज बंद होते ही अपने आप बंद हो जाता है। अभी हाल ही में आया है, ये रहा, ये रहा। ये टेलीफोन से भी कनेक्ट हो सकता है ना? जी हाँ। इसे पैक कर दिए। जी अच्छा। आखिर पहुंच ही गए। ये रंजीत का घर है ना? इसलिए तो आया। जी सामने एक गन्ने वाला है ना? हाँ। उस जैसे गन्ने का रस तुम्हें पूरी बंबई में कहीं नहीं मिलेगा। कैसे हो भैया? दया है मालिक। दो ग्लास बनाना। अच्छा भैया। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान से हैं? मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सीता ये ठीक है, हम दोनों का बहुत सा वक्त एक साथ गुजरता है, लेकिन रोहिणी को इस एक साथ का ये मतलब तो नहीं समझ लेना चाहिए कि मुझ में और तुम में, यानी हम दोनों में कोई संबंध है? ओह नो, मैं रोहिणी जी को दोष नहीं देती। हमदर्दी नर्स का धर्म है और अक्सर ये हमदर्दी हम नर्सों के लिए दर्द बन जाया करती है। खैर हम तो जानते हैं ये रोहिणी की गलतफहमी है, लेकिन फिर भी ये तो अपनी अपनी सोच है सर। जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसे दुनिया वैसे ही दिखाई देती है। मैं कल ही नौकरी छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे अपने से ज्यादा आपकी इज्जत प्यारी है। लेकिन तुम्हें काम करने में एतराज क्या है? हम नर्सों के भी माँ बाप होते हैं मैडम, हमारा भी घर है। मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी, आई एम सॉरी। वक्त है अजीब शय, तुम मुझको भूल जाओगे, कोई किसी की याद में हर्ष तक जिया नहीं। बीच में एक और लाइन है, भूल रहा हूँ, आखिर की लाइन सुन लो। संगे लहर को तोड़ कर सब्जा कभी उगा नहीं, मतलब कब्र के सिरहाने लगे हुए पत्थर पे कभी घास नहीं उगती। अब संगे लहर को तोड़ कर सब्जा कभी उगा नहीं। ये आज आपको क्या हो गया? मुझे आपकी फिक्र लगी हुई है और आप तुमको मेरी फिक्र लगी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं फिर से एक्टिंग शुरू कर दूँ। हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जैसी एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। हाँ फिर भी मैं अच्छा एक्टर रहा हूँ, बिना आंखों के भी अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी तीसरी आंख खुल गई है। ये किस गलत चीज की बुआ रही है? ये मिस्टर वाडिया है। What do you mean, इनको हमारा बास आता है क्या? वाडिया? वाडिया तो पारसी होते हैं और पारसी लोग तो सुबह नहाकर सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये स्मेल। आपको हमारा कुत्ते का बास आता होगा। तभी कुत्ते कुत्तियां अपनी जात नहीं छोड़ते, जैसे शेर शिकार नहीं छोड़ता, कुत्ता हड्डी नहीं छोड़ता, और कुतिया। हाँ छोड़ो ये बातें तो मैं अपने आप से अकेले में भी कर सकता हूँ। बोल मिस्टर वाड़िया, आप यहाँ तशरीफ कैसे ले आए? मैंने इसे कुत्ता खरीदा है। हम आपके लिए आंखें लाए हैं। आंखें? तो कि आजकल कुत्ते की आंखें
आदमियों को लगने लगी है। अरे तुम तो जोकर के बाद एक जोक बात है। उस वाड़िया में जोकर था नहीं, जोकर बना दिया गया। ये क्या कह रहे हो? किसने आपको जोकर बनाया? तकदीर माय डियर, तकदीर। वक्त और नसीब आदमी को अजीब अजीब तमाशे दिखाते हैं। अरे हमने भी अपने टाइगर को अजीब अजीब तमाशा सिखाया है, तुम देखेगा तो पागल हो जाएगा। I'm sorry, Mr. Wadia, मैं तमाशे देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता हूँ। Mr. Wadia, मैंने आपसे कुत्ता तमाशे दिखाने के लिए नहीं, राकेश की देखभाल के लिए खरीदा। मेरी देखभाल? यार तुम अपनी जिम्मेदारी इस कुत्ते को सौंप रही हो? अपनी नहीं, जो काम नर्स किया करती थी अब वो काम ये कुत्ता करेगा। बराबर करेगा, लेकिन वो तुम्हारी जगह करेगा कि नर्स की जगह करेगा वो मेरे को नहीं मालूम। मिस्टर वाडिया शट अप, तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इस घर में कुत्ता नहीं चाहिए। अरे सू बात करे से दिख रहा, डॉग इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैन, अरे दुनिया में एक तो वफादार प्राणी छे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर वाडिया, वफादारी का जज्बा सिर्फ कुत्तों में ही रह गया, लेकिन मुझे वफादारी फलती नहीं है। आप इसे ले जाइए। लेकिन मैम साहब ने ये आपकी मदद के लिए खरीदा है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, ले जाइए जाइए। आप कहते हैं तो लेके जाता हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये खानदान का कुत्ता नहीं मिलेगा। सर, ये ट्रेंड कुत्ता है, इसे रख लीजिए, आपका गाइड बनकर आपके साथ ही रहेगा। तुम भी यही चाहती हो? हाँ ठीक है, अगर आप सबकी एक ख्वाहिश है तो रहने दो सर। डियर टाइगर, ये सब एक्टिंग थी कि मैं तुम्हें रखना नहीं चाहता, हकीकत तो यह है कि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैडम, मेरा कोई हक तो नहीं, और हक हो भी कैसे सकता है, बीवी आप हैं, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कहो क्या कहना है। राकेश जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को तोड़िए मत। क्या मतलब? आप अपने संबंध को खत्म कर दीजिए। किस संबंध को? मेरा मतलब रंजीत और आपकी दोस्ती से है। अच्छा, तो तुमने हमारे घर से नर्स की नौकरी इसलिए छोड़ी ताकि लोगों को ब्लैकमेल कर सको? क्या कीमत है नर्स के रूप में धंधा करने वाली, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रुपए तो धंधे वाली को चाहिए मैडम, नर्स को नहीं। नर्स तो सिर्फ ये चाहती है कि एक नेक आदमी के अरमानों का खून न बहे। अपने काम में बहुत होशियार हो। ये लो, अगर कुछ देना ही है तो राकेश जी और अपने घर को खुशियों से सजा दीजिए। अपने घर की खुशियों की फिक्र मुझे तुमसे ज्यादा है, और मेरी पति की खुशियों को किसी चीज से कोई खतरा नहीं। आप और रंजीत का संबंध ही वो खतरा है मैडम, उन्होंने आपको सिर्फ प्यार ही नहीं दिया, अपना नाम दिया, इज्जत दी। यहाँ तुम्हारी महाभारत खत्म हुई? तुम क्या चाहती हो कि मैं गंधारी की तरह जिंदगी भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूं? वो नहीं हो सकता, तो कम से कम उन आंखों से खून के आंसू ना रुलाइए जिन आंखों ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी रोशनी खो दी। उन्हें प्यार दीजिए, उनकी जान मत लीजिए। मैं आपसे उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। एक आवारा और आयाश आदमी के लिए अपने देवता जैसे पति को धोखा मत दीजिए। आप शायद नहीं जानती कि जिस हाथ से आज रंजीत ने आपको थामा हुआ है वही हाथ पकड़ने की दावत उसने मुझे भी दी थी। तुम्हारी ये मजान मेरे साथ अपनी बराबरी कर रही हो, ये कहना चाहती हो कि रंजीत मुझे नहीं तुम्हें चाहता है, एक दो कौड़ी की नर्स को जो अस्पताल में मरीजों की गंदगी साफ करती है। तुमसे तो बू आती है। ठीक है फीलिंग बेटर? इसमें कोई शक नहीं है रोहिणी, तुम दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक हो। तुम्हारे जिस्म के हर मोड़ पर रुक के चलना पड़ता है। हाय बहुत याद आएगी तुम्हारी। क्यों, मैं कहाँ जा रही हूँ?
जाना तो सबका ही है। छी, मरने की बात नहीं करते। मैं अपने मरने की बात कहाँ कर रहा था? यस, मैं रंजीत। तुम मुझे मरवा दोगे? कितनी बार राकेश से कहूं कि रॉन्ग नंबर है। आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं थिएटर से 3:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। तुम कैसे भी 4 बजे तक मेरे फ्लैट पर आ जाओ। जब दिल मचलता है तो बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। आग तो इधर भी लगी हुई है। ठीक है, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी। रंजीत का फोन था, मुझे रिहर्सल के लिए थिएटर बुला रहा था। हम लोग पुराने एक्ट को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। रिहर्सल में 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं जरा बाकी के काम खत्म कर लूं। साढ़े 3 बज गए हैं, मैं चलती हूँ। 7 बजे तक आ जाऊंगी। आपका क्या प्रोग्राम है? मेरा प्रोग्राम? मैं सोच रहा हूँ आज इस कहानी को खत्म कर ही डालूं। ओके, सी यू, बाय। बाय। प्रोग्राम रखा है, 3 बजे पहुंच जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। नहीं शीला, बुधवार को किटी पार्टी है और मैं उसी दिन आने की कोशिश करूंगी, अगर मेरी रिहर्सल नहीं हुई तो। ओके, बाय। यस, मैं रंजीत। तुम मुझे मरवा दोगे? कितनी बार राकेश से कहूं कि रॉन्ग नंबर है। आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं थिएटर से 3:30 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। तुम कैसे भी 4 बजे तक मेरे फ्लैट पर आ जाओ। जब दिल मचलता है तो बदन में आग लगना शुरू हो जाती है। आग तो इधर भी लगी हुई है। ठीक है, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगी।
मेरे दोस्त, मेरा सबूत बनकर तुझे यही रहना है, ताकि लोग मेरे हक में ये कहे कि मैं तुम्हारे बगैर वो काम नहीं कर सकता जो अब करने जा रहा हूं। कौन? रंजीत, कहाँ हो तुम? देखो तुम 5 मिनट में चले आओ। सुनो, मुझे 2 घंटे के अंदर वापस जाना है राकेश के पास। ओके? राकेश के पास नहीं, अब तुम खुदा के पास जाओगी। आप यहाँ और इस गेटअप में, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। मुझे भी तुम्हें पहचानने में थोड़ी देर लग गई। जाली, वो रंजीत ने मुझे थिएटर की बजाय यहाँ मिलने को कहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप तो जानते हैं मेरा और रंजीत का रिश्ता कितना पवित्र है। पवित्र? इस पवित्र रिश्ते को मैं तुम्हारी खून की श्रद्धांजलि दे दूंगा। मैं तुम्हें जितनी बड़ी एक्ट्रेस समझता था, तुम उससे भी बड़ी हो। क्यों, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना तुम्हें? बोलो। चल गई। अरे ठीक है भाई, हम स्टेज पर तो नहीं जा सकते, लेकिन एक्टिंग तो नहीं भूले।
मैं तो यहाँ आया था ये सोच करके रंजीत को डराऊंगा। जब तुम सामने आ गई तो सोचा ये ड्रामा तुम्हारे साथ ही कर दूं। कैसा लगा? हा? अरे तुम बोलती क्यों नहीं? तुम क्या समझ बैठी मैं सचमुच तुम्हें गोली मार दूंगा? अरे डार्लिंग, रिवॉल्वर खाली है, यकीन नहीं हो रहा? खुद ही देख लो, मेज पर पड़ी है। मैंने हमेशा कहा था एक्टिंग करते वक्त अपनी सांस पे काबू रखा करो, मगर ये बात तुमने कभी नहीं मानी। चश्मे बद्दूर, ओहो मेम साहब, आपका नूर चश्म बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। ओले खोजे खुश रहो, लो बादाम पिस्ता खाओ, लो खाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारा बच्चे को कुछ भी नहीं देना, अभी अभी उसने दूध पिया है। ओए अच्छा अच्छा, ओ खुश दूध और घी पियो और काबुल का खुश्क मेवा खाओ और जल्दी जल्दी जवान हो जाओ, चश्मे बद्दूर मर्द पठान हो जाओ। ओ कोचे, अगले पीर को हमारा बरादर काबुल से आएगा,
हम भूलेगा काबुल का बादाम पिस्ता और खानदारी अनार लाने को। नहीं नहीं, हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमारा पेट खराब होता है। ओ, कुछ तुम्हारे वास्ते नहीं, इस बंदे परवरदिगार के वास्ते, उस रहीम की इस रहमत के वास्ते। मीम साहब, हम तुम्हारे बाबा का फोटो खींचता है, फोटो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, जरूर। तब तक मेहरबानी करके हमारे लिए एक टैक्सी लाएगा? ओ यस, जरूर। तुम्हारा टैक्सी आ गया, आपने फोटो खींचा? खींचा, शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये हरकतें मेरा दम आखी नाक में ले आई हैं और तुम्हारी वजह से मेरा दम किसी दिन किसी छींक आखी नाक से बाहर निकल जाएगा। तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे जुखाम शुरू हो जाता है। स्टॉप लीजिए, पीछे मुड़ के क्या देख रहा हूं मैं तुमसे कह रहा हूं। न जाने किस गधे ने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर लिया है। ढंग तुम्हारा ना, यूनिफॉर्म ठीक ढंग से पहनी जाती है तुमसे, ना ठीक ढंग से खड़ा हुआ जाता है, चलना तो दूर रहा, ठीक तरह से बोल भी नहीं सकते। हेलो, यस, कहां, बिल्डिंग का नाम जी? ओके, इंस्पेक्टर शत्रु, तो फॉरवर्ड वर्ली पहुंचो, वहां लैंडमार्क बिल्डिंग में कत्ल हो गया है। क्या है ये? इस्तीफा? इस्तीफा? इस्तीफा तो मैं तुमसे पहले दे चुका होता अगर तुम हर मुश्किल से मुश्किल केस को हल करने में कामयाब ना हुए होते। थैंक यू सर। मगर क्या करें, किस्मत ही तुम्हारी अच्छी है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, तुम्हारे जैसा सुस्त आदमी। सुस्त? इंस्पेक्टर, एक बात बताओ। यस सर। तुम इतने सुस्त क्यों हो? बात दरअसल यह है सर कि बिहार शरीफ के जंगलों में एक बार एक एनकाउंटर में एक स्मगलर ने मुझ पर बड़ी सारी गोलियां चलाई, उनमें से एक गोली अभी भी जिस्म के अंदर है सर। गोली जिस्म के अंदर? हाँ सर, और ऐसी गलत जगह अटकी हुई है कि ना ठीक से चलते बनता है, ना ही ठीक से बोलते बनता है, और तो और सर, ना ठीक से कुछ करते बनता है। थैंक यू सर। आ,
रोकिए नन्ने मियाँ, रोकिए। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। मेरा नाम मेरा नाम रंजीत है। ये फ्लैट मेरा है। मैंने ही पुलिस को फोन किया था। मैं जब फ्लैट में आया तो खून हो चुका था। क्या? सच कहता हूँ, रोहिणी ऐसे ही खून में लथपथ पड़ी थी। मुझे मालूम नहीं किसने खून किया है, कैसे किया है। मैं बहुत घबरा रहा हूँ इंस्पेक्टर। मैंने कभी जिंदगी में किसी की लाश नहीं देखी, और ये तो रोहिणी थी, मेरी फ्रेंड, मेरे दोस्त की बीवी। दोस्त की बीवी? हाँ, दोस्त की बीवी। मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों जरा ड्रामे के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। मुझे क्या मालूम था कि क्या मुझ पर शक कर रहे हैं? ये तो मेरे ड्रामों की हीरोइन थी, ये तो मेरे दोस्त की बीवी थी। अहिंसा परम धर्म। टाइगर ओपन द डोर। कौन? इंस्पेक्टर शत्रु। बंबई पुलिस से आया हूं। आप मुझसे मिलने आए हैं? जी बैठिए। हाँ जी, मैं तो पहले से ही बैठा हूं। हाँ तो कहिए इंस्पेक्टर, मुझसे कोई गैर कानूनी काम हो गया है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपके लिए एक बहुत बुरी खबर लाया। बुरी खबर? मेरे लिए बुरी खबर क्या हो सकती है? हाँ, कहीं आप मेरे लिए गिरफ्तारी का वारंट तो नहीं लाए? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? क्या हुआ है उसे? उनकी मौत हो गई। क्या? पुलिस को उनकी लाश मिली है। लाश? क्या कोई एक्सीडेंट? नहीं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। नहीं सोच, नहीं नहीं, रोहिणी को कौन कत्ल करना चाहेगा? खूनी का तो अभी तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन लाश मिस्टर रंजीत के फ्लैट से पाई गई है। रंजीत? रंजीत के फ्लैट से? लेकिन रंजीत तो मेरा दोस्त है इंस्पेक्टर, बहुत पुराना दोस्त। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट्स लेबोरेटरी में भेज दिए गए हैं। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली है वो रिवॉल्वर रंजीत की थी, और रंजीत इस वक्त पुलिस के हिरासत में है। राकेश, रंजीत ये लोग क्या कह रहे हैं? रोहिणी की लाश तुम्हारे फ्लैट में? बिलीव मी राकेश, मैंने रोहिणी का खून नहीं किया है। मैं भी इन लोगों से यही कह रहा था, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मुझे तो कहकर गई थी कि वो तुम्हें थिएटर में मिल रही है, फिर तुम्हारे फ्लैट में कैसे पहुंच गई? मुझे नहीं पता, जब मैं घर पहुंचा शी वाज लाइंग देयर डेड। किसी ने मेरी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। किसने? किसने? कौन हो सकता है वो? और फिर क्यों? और जब तुम घर में नहीं थे तो वो तुम्हारे फ्लैट में क्यों गई? किसने उसको वहां बुलाया था? कुछ समझ में नहीं आता मुझे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ गई है सर, रिवॉल्वर पर मिस्टर रंजीत के ही उंगलियों के निशान हैं। क्या? नहीं, ये झूठ है राकेश, ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। मैंने नहीं छुआ मुझे। तुमने रोहिणी का खून किया? मैंने? तुमने दोस्त बनकर मुझसे दुश्मनी की? मैंने नहीं किया। Please take me off from here. Rakesh. Acha. Inspector, Rohini ne apni sari zindagi mein kabhi kisi ka koi nuksan nahi kiya. Uska koi dushman ho hi nahi sakta.
बिल्डिंग वाले कुछ आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे कि आपकी बीवी माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि मैडम रोहिणी का मिस्टर रंजीत के साथ कुछ टांका, घपला, लफड़ा, चक्कर, मेरा मतलब है कि कुछ नाजायज ताल्लुकात थे। बकवास कर रहे हैं सब, झूठ है ये। मरने वाले के नाम पर इस तरह कीचड़ उछालना बेहूदगी है, ओछापन है। जी हाँ सही है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। चीयर्स। है? कौन? मैं सीता हूँ सर, अपनी छतरी भूल गई थी, लेने आई हूँ। मेरी छतरी कहाँ गई? छतरी। सीता जरा यहाँ ना। आए, आपन कौन? मेरा मतलब कि ये देवी जी कौन है? ये मेरी नर्स है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर। शत्रु, आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रही हैं देवी जी? जी वो मैं ये हॉस्पिटल में मेरे साथ थी, कुछ दिन पहले रोहिणी ने यहाँ ले आई। हाय रे गोली हाय। हाँ तो सीता देवी, स्वर्गवासी रोहिणी देवी के बारे में। स्वर्गवासी? ये क्या कह रहे हैं आप? आप नहीं जानती? नहीं इंस्पेक्टर, ये नौकरी छोड़ के चली गई थी। क्या क्या हुआ? आज रोहिणी देवी का खून हो गया। ओह नो, किसने उनका खून किया? खूनी तो अब तक पकड़ा नहीं गया है सीता देवी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आप नौकरी पे वापस आ जाइए। मिस्टर राकेश को अब आपकी ज्यादा जरूरत होगी। हाय। मैं समझती हूँ, इन हालात में इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हम सबका, हम सबका। अच्छा मिस्टर राकेश, अब हम चलते हैं। अरे न पुलिस की नौकरी होती ना ये ड्यूटी होती, ना ये ड्यूटी होती ना गोली लगती। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई भी आदमी इतना बेवकूफ नहीं हो सकता कि अपने ही घर में अपनी ही प्रेमिका को बुलाकर अपने ही पिस्तौल से उसे गोली मारकर अपने ही टेलीफोन से पुलिस को फोन करे। तुम्हारा मतलब है कि रंजीत ने कत्ल नहीं किया, तो फिर किसने किया? सर अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी शक की नजर का मुंह रंजीत के चेहरे से हटाकर राकेश के चेहरे पे फिट कर दें तो मामला हिट हो सकता है सर। शट अप, सीधे खड़े रहो। एक अंधा आदमी इतनी भीड़ भाड़ में अकेला 5 मील पैदल जाएगा, बिल्डिंग तलाश करेगा, किसी खास फ्लैट को खोलकर अंदर जाएगा, और फिर एक अंधे आदमी के हाथ में पिस्तौल हो भी तो निशाना कैसे बांधेगा? और फिर तुम्हारे पास उसके खिलाफ सबूत क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? सर मुझे जो कुछ भी कहना है अब तो वो सबूत ही कहेगा कि आपने इस बिल्डिंग में किसी अजनबी को आते देखा नहीं देखा, देखा तो कितने बजे देखा? कुछ याद नहीं सर। है? बिल्डिंग को चारों तरफ से छान मारा लेकिन कहीं छतरी नहीं मिली। क्या छतरी? एक पठान यहाँ छतरी लेके आया था। हाँ हाँ छतरी थी। हाँ। और जब पाठान यहाँ से गया मुंगीलाल जी तब भी उसके हाथ में छतरी थी? जी नहीं, वो मिसेस पटेल के साथ गया था। हाँ तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो पाठान अंधा नहीं था? बिल्कुल नहीं। अंधा क्या कंधे पे कैमरा लटका के फिरता है क्या? हाँ हाँ सही कह रही हैं आप। अच्छा आपने कहा था कि उस पाठान के हाथ में कोई छतरी नहीं था, अब भी कह सकती हैं कि उसके हाथ में कोई छतरी नहीं थी? चौकस वरी, बिल्कुल नहीं। हाँ कारण के एनो एक हाथ मारा बाबा ने प्रेम पर उठा, ने एनो बीजो हाथ कैमरा ने ऊपर उठा। एक फोटो लेवाने वास्ते कैमरा ने वास्ते बेव हाथ वापर वापर नहीं। और बच्चे को गोद में संभालने के लिए भी दोनों हाथों की जरूरत। सुताई गयो। ओ जाओ जाओ। अरे अरे यू नॉटी बॉय। अंकल ने शर्ट पर सुसु की देनी। समझ में नहीं आता सर, मेरी छतरी कहाँ गायब हो गई? छतरी के लिए इतने परेशान क्यों हो रही हो? नहीं खरीद लेना। ये बात नहीं है सर, वो छतरी मेरे भाई की निशानी थी, उसने अपना नाम लिखवाकर मुझे प्रेजेंट की थी।
एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन सीता देवी? हाँ मैं सीता बोल रही हूँ। आप 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हैं, बहुत जरूरी काम है। जी मैं भी आती हूँ। इंस्पेक्टर शत्रु का फोन था, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है, खाना खा के जाओ। मैं खा चुकी, मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था सीता देवी कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी? इसलिए कि अब मेरी वहां जरूरत नहीं रही थी। मिस्टर राकेश बिना किसी मदद के अपना सारा काम खुद कर सकते थे। यानी कि स्टोर तक भी जा सकते थे? जी हाँ, लेकिन अकेले नहीं, कोई साथ हो तो। साथ का मतलब आप? अब ये देखिए, सीता देवी ये उस पाठान की तस्वीर है जो शाम बिल्डिंग में गया था जिस शाम को रोहिणी देवी का खून हुआ था। अरे वाह शाबाश सीता देवी, कमाल कर दिया, आपने पहचान लिया था। नहीं जानती ये कौन है। तो फिर आप खड़ी क्यों हो गई सीता देवी, बैठिए। और ये बताइए कि राकेश से आपका क्या ताल्लुक है? इंस्पेक्टर साहब, किसी के जाती जज्बाती तालुकात से पुलिस को क्या मतलब? सीता देवी, जाती जज्बाती तालुकात की बिना पे लोग जान भी ले लिया करते हैं। और कुछ लोग जान दे दिया करते हैं। मैं जा सकती हूँ? सुनिए सीता देवी, आपको आपकी छतरी मिल गई या नहीं? जी नहीं, आप इतने स्मार्ट ऑफिसर हैं। स्मार्ट कौन? मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप ढूंढ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ ये मेहरबानी तो करनी ही पड़ेगी। ये मेहरबानी तो करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग जान दे दिया करते हैं। अगर मेरी छतरी पुलिस के हाथ लग गई तो ओह माय गॉड। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूं कि छतरी ढूंढने में आपको कामयाबी मिली नहीं मिली, मिली तो कहां तक मिली? छानबीन करने के बाद ये पता चला कि यहां का माली छतरी ले गया है, मगर वो इनकार कर रहा है। नहीं बता रहा है? नहीं। अच्छा तो मुंगीलाल जी, वो आपको इनकार कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुझे इकरार कर देगा। आप सिर्फ ये बता दें कि वो कमबख्त रहता है। टोपी वाला चालू। नाराज क्यों होते हो बाबू? ये लो आपकी छतरी। इंस्पेक्टर, छतरी तो आपने ढूंढी डाली, लेकिन किसकी छतरी ढूंढनी है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी छतरी मेरे पास है। मगर चीज तो इस छतरी पर लिखा हुआ है। नहीं लिखा होगा, जरूर किसी गौतम सरीन या गौरी शंकर की होगी। गौरी शंकर? मेरी छतरी तो ये है। मिस्टर राकेश, सीता देवी तो बहुत अच्छी और इंटेलिजेंट वकील भी हैं।
इनकी दलील के सामने तो अपना केस अदालत में ठहरेगा ही नहीं। ये तुम कह रहे हो इंस्पेक्टर? मेरे अलावा तो इस कमरे में और कोई बैठा ही नहीं है सर, तो मैं ही कह सकता हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ सर कि इस अंधे कातिल ने मुझे इस कदर जुकाम दे रखा है कि खूनी को सूंघने की तमाम शक्ति मेरी खत्म हो गई। इसने मेरी इन्वेस्टिगेशन के तमाम रास्तों को अपनी आंखों की तरह बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन सर मेरे जिस्म के अंदर गलत जगह अटकी हुई गोली इस मर्डर केस के सही जगह जाकर लगना जा रही है। मतलब? हाँ, मतलब सर के कुसूरवार और बेकसूर दोनों दोस्त, कुसूरवार बेकसूर, बेकसूर कुसूरवार, लोग जान दे भी देते हैं। आइए आइए सीता जी, मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ आने की तकलीफ दी कि वो छतरी पुलिस को मिल गई है। कौन सी छतरी? अरे वही छतरी जो रोहिणी के कातिल के हाथों वारदात की जगह पे गिर गई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरी छतरी मेरे पास है। अरे आपने जो छतरी मुझे अपनी कहकर दिखाई थी, आप अच्छी तरह जानती हैं सीता देवी कि वो छतरी बाजार से जल्दी में खरीदी गई और उस पे जल्दी में जीएस इनिशियल्स लिखवाए गए और जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई छतरी बाजार से नहीं खरीदी, वो छतरी मेरे भाई ने मुझे प्रेजेंट की थी और उस पर उसके अपने इनिशियल्स हैं। मैंने कब कहा सीता देवी कि वो छतरी आपने खरीदी है? तो मैंने तो कहा कि छतरी खरीदी गई और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि छतरी खरीदने वाले थे मिस्टर राकेश कुमार। इम्पॉसिबल, आप तो जानते हैं कि छतरी पसंद करने के लिए आंखें चाहिए, उसे खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता है, दुकान ढूंढनी पड़ती है और मिस्टर राकेश ये सब नहीं कर सकते। हाँ अरे पुलिस के पास सबूत है। कैसा सबूत? सबूत तो आपके पीछे है, अगर आप मुड़कर देखें तो देखेंगी कि चश्मे वाले सज्जन है केशव राणा, राणा स्टोर्स के मालिक जहां से छतरी खरीदी गई, और उनके बगल में है आगमन डिजाइनर्स के मालिक जफर अली, मुजफ्फर अली के छोटे भाई जिन्होंने छतरी पर जीएस का निशान लिखा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि मिस्टर राकेश ने ही आपसे छतरी खरीदी थी? आप उन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह। उन्होंने हमसे स्टार ब्रांड की काली छतरी मांगी, 100 का नोट दिया और जल्दी से चले गए। और उसी जल्दी वो मेरे पास आए और बोला कि जीएस लिख दो। ओह गॉड, इतना बड़ा झूठ! आप लोग जरूर पुलिस से मिल गए हैं। एक अंधे आदमी पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? जानते हैं आपके इस झूठ से वो आदमी खून ही मान लिया जाएगा, उसे सजा हो जाएगी। एक निर्दोष आदमी को अरे ये क्या कर रही है सीता देवी? इंस्पेक्टर, आप जानबूझकर इन लोगों का झूठा बयान लेना चाहते हैं, आप राकेश को फंसाना चाहते हैं। क्यों? आपकी राकेश से क्या दुश्मनी है? बोलो। आप सच को झूठ क्यों मान रहे हैं? ये सच नहीं है इंस्पेक्टर, राकेश ने छतरी नहीं खरीदी थी, नहीं खरीदी थी। तो इस बात का आप दावा कैसे कर सकती हैं सीता देवी? मैं इसलिए दावा कर सकती हूँ कि छतरी मैंने खरीदी थी। मगर आप क्यों छतरी खरीदने लगी सीता देवी? मैं पुलिस को धोखा देना चाहती थी। क्यों? इसलिए कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। मगर सीता देवी, मगर आप क्यों गिरफ्तार होंगी? आपने ऐसा क्या किया है? मैंने रोहिणी का खून किया है। हाँ, मैं ही रंजीत के फ्लैट में गई थी, मैंने ही रोहिणी को गोली मारी थी, मैंने ही रोहिणी की जान ली है। मैंने राकेश बेकसूर है, बेकसूर। योर ऑनर, सीता देवी कातला है, सीता देवी मुजरिमा है, सीता देवी वो नागिन है जिसने एक हंसते खेलते घर को डस लिया। और योर ऑनर, नागिन की सजा सिर्फ मौत है, कातला की सजा सिर्फ मौत है, इस मुजरिमा की सजा सिर्फ मौत है। योर ऑनर, मौत के सिवा और कुछ नहीं। नहीं ये साहब, सीता को मौत की सजा देना कानून की बेइज्जती होगी, इंसाफ के नाम पर धब्बा होगा, इंसानियत के जमीर का खून होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं हकीकत बयान करना चाहता हूं। तो आइए आइए विटनेस बॉक्स में। थैंक यू। ये साहब,
रोहिणी का खून सीता ने नहीं मैंने किया है। जज साहब, मैं इस केस के सिलसिले में कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? मैंने ही सीता देवी के खिलाफ मुकदमा बनाया और अब मैं ही अदालत से दरख्वास्त कर रहा हूं जज साहब कि सीता देवी को भाई इज्जत बरी कर दिया जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं अदालत से मुआफी चाहता हूं जज साहब कि असली मुजरिम को पकड़ने के लिए मुझे किसी बेकसूर को मुजरिम बनाकर अदालत में खड़ा करना पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जज साहब, क्योंकि मिस्टर राकेश ने जिस खूबी के साथ फूल प्रूफ खून किया था उसका ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग, और यह वो कत्ल था जिसका चश्मदीद गवाह खुद कातिल भी नहीं था। पुलिस मिस्टर राकेश को कभी नहीं पकड़ पाती अगर यह पता नहीं चलता कि सीता देवी में राकेश जी के लिए इज्जत के साथ साथ मोहब्बत भी छुपी है। और मुझे मालूम था कि मिस्टर राकेश जैसा नेक और शरीफ आदमी कभी एक बेकसूर को फांसी नहीं चढ़ने देगा, और वही हुआ। मिस्टर राकेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया जिसकी सजा इन्हें अदालत देगी। नहीं जज साहब, सजा के हकदार राकेश जी नहीं है, सजा की हकदार थी रोहिणी, सजा का हकदार है रंजीत जो एक आयाश आदमी है और हर लड़की को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है, जिसने मिस्टर राकेश की दोस्ती तक का ख्याल नहीं किया और उनका घर बर्बाद कर दिया। अफसोस तो ये है कि वो बदमाश आदमी जो समाज और कानून का दुश्मन है अभी तक जिंदा है और एक शरीफ आदमी को उस जुर्म की सजा दी जा रही है जो जुर्म नहीं इंसाफ है। Hold it, hold it. मेरे ख्याल में आप इस अदालत को एक फुटबॉल का मैदान समझ रहे हैं और मुझे इसका गोलकीपर, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं आसानी से गोल नहीं होने दूंगा। मिस्टर राकेश कुमार, आप ये याद रखिए कि अदालत के सामने गलत बयान देना भी एक जुर्म है। मेरा बयान गलत नहीं है जो साहब। गोया कि आप सच कह रहे हैं कि रोहिणी देवी का खून आपने किया? जी। यानी के बगैर किसी सहारे या मदद के आप खुद चल के जुहू से वर्ली पहुंचे? जी हाँ। यानी समंदर किनारे खड़ी हुई इतनी सारी बिल्डिंगों में से आपने एक 13 माले की बिल्डिंग चुनी और सबकी नजरें बचाकर उसके लिफ्ट में घुसे, 5वें माले पे पहुंचे, उतरे और एक ऐसे फ्लैट में घुस गए जो कि अंदर से बंद था। जी हाँ। किसी खिड़की या रोशनदान से घुसे थे? जी नहीं, दरवाजे से। भाई आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सही फरमा रहे हैं? जैसा आप तो क्या, कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा। मेरा दिमाग तो आपकी बात मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठा हूं और हकीकत जानना मेरे लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि फर्ज है, इससे पहले कि मैं इंसाफ करूं। तो राकेश कुमार साहब, कल यह अदालत यहां नहीं, ठीक सुबह के 10 बजे आपके बंगले के सामने लगेगी। गुड मॉर्निंग जज साहब। गुड मॉर्निंग। इस वक्त आपकी घड़ी में क्या बजे हैं? 10:05। 10:05। ठीक है, हम 11:50 और 55 के बीच रंजीत के घर पहुंच जाएंगे, आइए मेरे साथ। देखो तुम लोग जीप में हमारे पीछे आओ। रक्षा कर भगवान। क्या कहा? भगवान लगता है काफी प्रैक्टिस की है। वाइस इंपोस्टिंग गाड़ी रोको जरा। भटक ना जाना
कितना मलंग गाना है, है ना? खुदा क्या उसको छोड़ेगा, खुदा क्या उसको छोड़ेगा, किसी का दिल जो तोड़ेगा, खुदा क्या उसको छोड़ेगा। अरे वो राकेश साहब कहाँ गए? चलो जरा रोको। जय साहब जी, मैं इधर से जाता हूं, आप उस तरफ से जाकर उस गेट पर मुझको मिलिए। ओके ऑलराइट, चलो। ड्राइवर आइए, राकेश साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जय साहब, मैं यहां से टैक्सी पकड़ता था जी, आप कहें तो वही करूं या? नहीं नहीं, नहीं टैक्सी लेने की क्या जरूरत है, आप हमारे साथ चलिए, आइए यहाँ। इस वक्त हम बांद्रा मस्जिद पहुंच चुके हैं जी। तो साहब हम मायम चर्च आ गए जी, आ गए। तो साहब हम शिवाजी पार्क से गुजर रहे हैं जी, गुजर तो रहे हैं। गाड़ी रोको जी साहब। मैं यहाँ टैक्सी छोड़ देता था और फिर पैदल चलना शुरू करता था। मैं उतरता हूं। के 53 मिनट। मैंने कहा था ना आपसे, आइए। ये रहा अपार्टमेंट 51। अब चाबी जी, चाबी। ये रही चाबी। अच्छा तो चाबी आप वहां रखते हैं? मैं नहीं रंजीत। वजह? तो साहब वो एक प्लेबॉय बैचलर है उस फ्लैट और में। इस फ्लैट में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अंदर। हम भी जानते हैं शत्रु साहब, सॉरी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अरे तशरीफ लाइए, आओ जी सर। तो साहब रंजीत अपना रिवॉल्वर यहां रखता था, मैंने यहीं से उठाया था। लेकिन बगैर देखे आप निशाना कैसे लगा सकते हैं? मैं आवाज सुन के निशाना लगाता हूं। और ये आपने कैसे सीखा? जो साहब मैं एक छोटा सा ट्रांसिस्टर ऑन करके कहीं दूर रख देता था और फिर उसकी आवाज सुनकर निशाना लगाता था। ये प्रैक्टिस मैंने महीनों की है। आई सी। अच्छा तो ये आपका ट्रांजिस्टर इस घड़ी से बड़ा था या छोटा? तकरीबन इतना ही था। गुड इंस्पेक्टर जी, इनको अपने सर्विस रिवॉल्वर दीजिए। देखिए देखिए, जरा संभाल के चलेगा, जरा संभाल के। जी साहब ये तो खाली है। अब जैसा मैं भरी हुई रिवॉल्वर से बहुत डरता हूं, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, भूल चुक सही हो ना। भर दीजिए, भर। I'm sorry, sir. और देखिए, आप इस घड़ी में 12 बजे का अलार्म लगा जी, इसे बाहर रख दीजिए जी। बहुत अच्छा। लीजिए गोलियां भर दी, अब आप चलाइए, लेकिन जरा संभाल कर प्लीज। राकेश साहब सुनिए, हमने घड़ी यहीं कहीं रख दी है, जो ही अलार्म बजे आप गोली चलाइए और सामने चलाइएगा, पीछे नहीं, क्योंकि हम आपके पीछे खड़े हैं। हाँ
मकतूल रंजीत का खून महज एक हादसा था, लिहाजा अदालत राकेश कुमार को रंजीत के कत्ल के जुर्म से बरी करती है। लेकिन यह साबित हो चुका है कि रोहिणी देवी का कत्ल राकेश कुमार ही ने किया, और अदालत यह भी जानती है कि इन्हीं राकेश कुमार ने कभी रोहिणी देवी की जान बचाने में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इसलिए मुजरिम राकेश कुमार की जहनी परेशानियों और मानसिक दबाव में आकर किए गए कत्ल की वजह को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम राकेश कुमार को 7 साल कैद की सजा का हुक्म देती है। आइए, नमस्कार। सीता देवी भी आई आपका स्वागत करने। मैंने तो यहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक अनुरोध किया था कि आपको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, इसलिए कि आप निहायत ही शरीफ आदमी हैं। लेकिन हमने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी निकल लेंगे, और जब आप निकल लिए हैं तो फौरन निकल लीजिए, क्योंकि जेल वालों का इरादा बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बढ़ लीजिए। आओ सीता, चलें। कहाँ? अपने घर। चलिए, जुगल जोड़ी सलामत रहे। खुदा क्या उसको छोड़ेगा, किसी का दिल जो तोड़ेगा, खुदा क्या उसको छोड़ेगा। और ये भी हक्का, बाग लगाया पक्का।